सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बरतानिया के अलावा तमाम रियासतें खत्म कर दी जाएंगी। पूरी दुनिया को मुख्तलिफ नजरियात के लोग चलाएंगे, मगर वो सब लोग हमारे लिए काम करेंगे। मैं गरीब हूँ इसलिए धुतकार रहे हो मुझे? अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। ये जगह बहुत खतरनाक है जनाब, वो आपको मारने ही वाला था, मोहतात रहे। क्रोली, तुम एक धोखेबाज इंसान हो। तुम इतने बड़े हो गए कि तुम फवाद अफंदी की दावत में शामिल हो सको। जब आप गिरी थी तो शायद उसी मक्खी ने काट लिया हो। क्या ये लगने वाली बीमारी है? तबीब को बुलाइए जल्दी। कभी भूलना मत, रूथ चाइल्ड की इजाजत के बगैर एक डॉलर भी कहीं मुंतकिल नहीं किया जा सकता। उम्मीद है तकलीफ दूर हो गई होगी तुम्हारी। जिस दिन तुम ये अंगूठी पहन लोगे, उस दिन हम जान लेंगे कि तुमने हमारी पेशकश कबूल कर ली, और हमें यकीन है कि हमारे ना उम्मीद होने से पहले तुम पहन लोगे। आ जाओ। तफसील बताओ, वहां क्या हुआ? जनाब, वो क्रोली को ले गए। कौन थे वो लोग? हम नहीं जानते कि वो कौन थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मलिका की तस्वीर की जगह सुल्तान अब्दुल हमीद की तस्वीर लगी हुई थी। जहां हर तरफ हमारे आदमी पहरा दे रहे थे, वहां से हमारे करीबी साथी को कितनी आसानी से ले गया वो सुल्तान, वो एक मुश्किल हदफ है। जाओ।
हाय माशाल्लाह, इसको उतरा के जलालुद्दीन पाशा। हाय माशाल्लाह, क्या आप जानते हैं अल्बानिया का लजीज खाना कौन सा है? अल्बानिया की सबसे बेहतरीन चीज भुनी हुई कलेजी है। मुझे तो नाम लेते ही भूख लग गई। सुनिए, बात सुनिए, दो प्लेट भुनी हुई कलेजी भिजवा दें। ये कम तो नहीं पड़ जाएंगी, रुकिए मैं तादाद बढ़वा देता हूँ। आफंदी सुनिए, हमारे लिए 5 प्लेट कलेजी की भिजवा दें। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? कलेजी ही तो मंगवाई है। कलेजी नहीं मिलती यहाँ। पाशा, हम अल्बानिया में। तो क्या अल्बानिया में भुनी हुई कलेजी नहीं मिलती? अल्बानवी कलेजी खाना पसंद नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, और वो क्यों? क्योंकि ये तुर्क खाना है। जंग के दौरान सल्तनत उस्मानिया में आने वाले ज्यादातर अल्बानवी मजबूरन कलेजी खाते थे, और यूं उस्मानियों ने उसका नाम अल्बानवी कलेजी रख दिया। यहाँ के लोग अब कलेजी नहीं खाते क्योंकि ये खाना उन्हें गुर्बत की याद दिलाता है। वल्लाही मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। अल्लाह अल्लाह, चले कोई बात नहीं, इस्तांबुल वापस जाकर अल्बानवी कलेजी खा लेंगे। और वैसे भी मैं यहाँ कलेजी खाने तो आया नहीं। जी तो बताइए पाशा, आप यहाँ किस लिए आए? पाशा, सुल्तान मोहज़्ज़म ने आपको पाए तख्त आने की दावत भिजवाई है। खैर होगी इंशाल्लाह, सुल्तान का हुक्म हमारे लिए बहुत मोतबर है। मेरे ख्याल से सुल्तान आपको कोई खास फरीजा सौंपना चाहते हैं, लेकिन फरीजा कबूल करने की कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है पाशा। आप चाहें तो फरीजा कबूल करें और चाहें तो मुस्तरद भी कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो फरीजा कबूल करने से माफ़रत कर लेता। आप अच्छे इंसान हैं इसलिए बता दिया। क्या वाकई मना कर सकता हूँ पाशा? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताऊँ कि सुल्तान मोहज़्ज़म ने मुझे वजीर आज़म बनने की पेशकश भी की थी, मैंने वो पेशकश कबूल नहीं की। सुल्तान मोहज़्ज़म नाराज नहीं हुए, वो आपसे भी नाराज नहीं होंगे, और वैसे भी आखिर आप वो फरीजा कबूल क्यों करेंगे? देखें यहाँ की हवा माशाल्लाह कितनी साफ सुथरी है और ताज़ा भी, जबकि पाए तख्त में पाए तख्त पूरी दुनिया का मरकज है, वहां तो हर वक्त कोई ना कोई मसला खड़ा रहता है। हाल ही की बात बताऊं पाशा, पाए तख्त के तमाम पाशा हजरात के पानी में जहर मिला दिया गया था। खौ, 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 खौ। सब के सब बीमार हो गए, बहुत मुश्किल से बचे हैं। मुझे गलत मत समझिएगा पाशा, हम अल्बानवी लोग कभी मौत से नहीं डरते, खासकर अगर मामला रियासत का हो तो हम खुशी खुशी अपनी जान तक दे देंगे। अपनी रियासत के लिए मसाइब व तकलीफ में राजी बरजा कबूल कर लूंगा, फिक्र मत करें पाशा। अगर हमारे सुल्तान हमें बुलाएंगे तो फिर चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, हम हमेशा हाजिर हो जाएंगे। फिर भी एक बार अच्छी तरह सोच लें, फैसले में इतनी जल्दी मत करें। पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं। आप पूछेंगे क्यों तो मैं बता देता हूँ, कोई भी फैसला खाली पेट नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये जगह अल्बानिया का आखिरी खाने का मरकज तो है नहीं। चलिए चलिए उठ जाइए, यहाँ वक्त जाया नहीं करें, उठ जाइए, उठिए चलिए। सुल्तान मोहज़्ज़म, फुआत अफंदी के हवाले से तफसीलात ले आया हूँ। मिस्र पर गैर मुल्की कर्ज था, लेकिन सूद अदा नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो कर्ज से ज्यादा था। ये हम जानते हैं पाशा, ये बताइए कि फुआत अफंदी की शमूलियत कैसे हुई थी? मेरे सुल्तान, मिस्र के खेदीफ अब्बास हिलमी पाशा ने अपने चचा फुआत अफंदी को इंतजामिया की जिम्मेदारी सौंपी। फुआत अफंदी ने मुख्तलिफ बैंकों और निजी इदारों के मुंतजमीन से मुलाकातें की। ये इदारे कहाँ के हैं पाशा? इनमें ज्यादातर अमरीका और बरतानिया के हैं, इसके अलावा कुछ फ्रांसीसी और जर्मन इदारे भी शामिल हैं। यानी तमाम इदारे किसी एक रियासत की मिल्कियत नहीं है। आगे पढ़िए। उन्होंने मिस्र में तंबाकू की काश्त और नहर सुइस का काम उन इदारों के हवाले किया, और उसके जरिए बैंकों से जमानत हासिल की। इस तरह तमाम पुराने कर्जे अदा हो गए और सूद भी खत्म हो गया। ये कामयाबी नहीं है। मिस्र का कर्जा कम नहीं हुआ है, बस सूद की शरह कम कर दी गई है। मगर मिस्र के कारोबारी इदारों की मुस्तकबिल की आमदनी को नजरअंदाज कर दिया गया है। मेरे सुल्तान, इसके अलावा भी फुआत अफंदी ने कुछ काम किए हैं। उन्होंने जिन इदारों से मुआहदा किया वो इदारे तंबाकू और सामान की नकलो हरकत के कारोबार से मुंसलिक है। इसके बदले या तो वो खाम माल देंगे या सुइज नहर में आजादाना तिजारत का हक। हैरत है हमें, इन तमाम इदारों का गैर मुनाफा बख्श माहिदों से इत्तेफाक करना दिलचस्प है।
तुमने तस्वीर खींचने का फन कहां से सीखा? वियना से। मैं इसके जरिए अपने बाबा को अमर करना चाहता था, जिन्हें उस्मानी अब्दुल हमीद के एक हुक्म पर उनके अपने घर से निकाल दिया गया था। मैं कामयाब नहीं हो सका। तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए दो चीजें विरासत में छोड़ी हैं। वो क्या है? इंतकाम और मकसद। ये दोनों ही चीजें तुम्हें उस्मानी तख्त तक लेकर जाएंगी। सुल्तान अब्दुल हमीद को हटाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन वो हर बार बच जाता है। फिक्र मत करो, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। तस्वीर लेता हूं, ऐसे ही रहिएगा। बस हो गया। ये तस्वीर आपके लिए बहुत खूबसूरत यादगार होगी। हम मिस्र यादगारें इकट्ठा करने नहीं आए, बल्कि तुम्हें उस्मानी सुल्तान बनाने के लिए आए हैं। जिस रास्ते से तुम्हारे दादा लौट गए थे, तुम उस रास्ते पर चलोगे। ऐसा कैसे होगा? हमारे दिए गए अहकामात पर अमल करके। आप अब्दुल हमीद को अच्छी तरह नहीं जानते। उसके आदमी हर जगह होते हैं। अगर मैं आपसे यूं ही मिलता रहा तो उनकी नजरों में आ जाऊंगा और सुल्तान अब्दुल हमीद मेरे मकसद से वाकिफ हो जाएगा, और फिर मेरा अंजाम भी वही होगा जो मेरे बाबा का हुआ था जलावतन। इसलिए मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं। वो रही तुम्हारी होने वाली सौजा। हम तुमसे शविनास के जरिए राब्ता करेंगे। क्या कहते हो तुम? बहुत खूब। तो मतलब तुम्हें हमारी पेशकश कबूल है? नहीं। आपके लिए कहवा लाई हूँ मेरे सुल्ताना। इनके मुंह में अभी तक छाले हैं, कहीं बढ़ तो नहीं जाएंगे? हर किस नहीं, बल्कि इससे तो आराम मिलेगा सुल्ताना को। हम मुतमईन हैं कि आप यहाँ हैं ज़ैनब। वरना ज़ुल्फ़त तो डर के मारे हमें कुछ खाने पीने को ही ना दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह सुल्ताना, मैं ऐसा कर सकती हूँ? ज़ैनब, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सुना है कि आपकी एक बड़ी बहन भी है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरी एक बड़ी बहन भी है। वो बड़ी है लेकिन अभी भी बच्चों की तरह है। जब उन्हें पता चला कि मैं आपके साथ हूँ तो वो बहुत पुरजोश हो गई, और अपने वालिदैन को तो सालों पहले खो चुकी हूँ। सुनकर अफसोस हुआ। मैं तो अपनी बड़ी बहन को भी खोने ही वाली थी। वो एक बीमारी में मुब्तला थी और इसीलिए मैं तबीबा बन गई। तो क्या ये आपकी मजबूरी है? बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। तो क्या आप महल में रहकर अपना काम सर अंजाम देना चाहेंगी? आपकी खिदमत करना मेरे लिए एजाज की बात होगी मेरी सुल्ताना।
कहते हैं कि सहरा बारिश की आरजू में रोते रोते खुश्क हो गया। रोना, आंसू बहाना, इस किस्म के अल्फाज से ना वाकिफ हूं मैं। मुझे तो सहरा शिकस्त खुर्दा शख्स की तरह लगता है, खुश्क और मोहताज। क्या आप यहीं पैदा हुए थे? मिस्र में। तो अगर आपकी किस्मत भी सहरा जैसी हो गई तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ऐसा होगा क्यों? मेरी पेशकश को कबूल नहीं किया आपने। आप बेवकूफ इंसान हैं और आप बेबाक हैं। तो आप भी हो जाएं। ताकतवर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? बताएं। जो मैं जानता हूं आप नहीं। मैं अब्दुल हमीद की ताकत से वाकिफ हूं। कोई भी ताकत उसे तबाह नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल आप इन लोगों की ताकत से नावाकिफ हैं। आप लेट ही रहे। हमें आपके नुकसान पर बेहद रंज हुआ मिसली मलिक। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप खामोश क्यों हैं, ना ही ये कि आप कुछ खाती क्यों नहीं हैं। हम ये भी नहीं पूछेंगे कि आप अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती, क्योंकि हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। जब हमारे बाबा का इंतकाल हुआ तो हमने आंखें बंद कर ली और दोबारा उन्हें कभी नहीं खोलना चाहते थे। क्या फायदा ऐसी आंखों का जिन आंखों से अपने बाबा को ना देख पाते हम। हमने खुद को बहुत कमजोर और बेबस महसूस किया। फिर एक दिन हमें उनका ये खंजर मिल गया। हम बहुत छोटे थे जब हमारे बाबा ने हमें ये खंजर दिया था मिसली मलिक, और जब ये मिला तो हमें महसूस हुआ जैसे बाबा हमारे साथ ही हैं। उनकी ताकत, उनकी दुआएं, उनकी हिदायत सब हमारे साथ हैं। हम समझ गए कि हमें उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। हमारी बहन ऐसे मर गई जैसे वो कोई यतीम या बेसहारा हो। हम मौत का सबब भी नहीं जानते। हमारे पास उनका कुछ भी नहीं। हम तो उनकी यादों को भी समेट ना सके। आपकी बहन का सामान यहां पर है, इस संदूक के अंदर। हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं। अल्लाह ने हमारे पूरे खानदान को सलामती के साथ इस मेज पर बैठने का मौका दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तो हम सब बच गए।
लेकिन अब वो दुश्मन नए लोगों को तलाश करेंगे और हम पर दोबारा हमला करेंगे। सही कहा ना सबाहद्दीन? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप उन्हें हमसे बेहतर जानते हैं। अब्दुल कादिर, आप बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। तो क्या यह सच नहीं है कि पारवुस के दोस्त है पोपी जान? बम वाले मंसूबे का क्या आपने बाबा को नहीं बताया था? बताया था हमें, और इन्हीं की वजह से हम उस खतरे से बच पाए थे। हमें तो लगता है कि सबाहद्दीन सब जानते थे कि क्या होने वाला है, फिर भी इन्होंने असल मंसूबा राज रखा। आप ये कैसे कह सकते हैं? अब्दुल कादिर, क्या आपको मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिखती? अब्दुल कादिर, बस कीजिए, हमें सबाहद्दीन पर मुकम्मल एतमाद है। मामू, आप मेरी सच्चाई और मासूमियत से वाकिफ हैं, इजाजत दीजिए। बैठ जाइए सबाहद्दीन। फर्जंद अब्दुल कादिर, आपने सबाहद्दीन पर जो इल्जाम लगाया है वो सिर्फ इसलिए कि आपके जहन पर हादसे का असर अभी तक है, लेकिन इनकी एक बात दुरुस्त है, हमारे दुश्मन हर जगह मौजूद हैं, यहां तक कि वो महल में भी हमारे आसपास ही हैं, और इसी वजह से हमें उनके खिलाफ मुत्तहिद रहना होगा। हमें अपने इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालना होगा, मजबूत बनाना होगा अपने रिश्तों को, वरना दुश्मन कामयाब हो जाएगा। हम सबको अपने खानदान को बिखरने नहीं देना है, दुश्मन का मिलकर मुकाबला करना है, और इंशाल्लाह अपनी आने वाली नस्लों को भी पुरसुकून माहौल फराहम करना है। इंशाल्लाह। सफर कैसा रहा तुम्हारा? क्या फुआद को कायल कर पाई तुम? नहीं, वो आसानी से बिकने वालों में से नहीं, और वो बहुत मोहताज भी है। आज उसने अपनी अंगूठी सहरा में गिरा दी थी। उसे तलाश करते हुए उसकी आंखों में तड़प देखी। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन उसे कायल करने के लिए हमें उसे अपनी ताकत दिखानी होगी। हमने उसे तख्त की पेशकश की है, और फुआद उसे अपने बचपन से ही हासिल करना चाहता था, और हमें यकीन है कि वो इसके लिए सब कुछ करेगा। एक चीज है जो उसे तख्त से ज्यादा पुरजोश कर देती है, अपने बाबा का इंतकाम। अब्दुल हमीद से इंतकाम लेने के लिए वो जो कुछ भी मुमकिन हो सब करेगा। इसी वजह से हमने उसे मुंतखब किया है, ये एक बहुत मुफीद सौदा होगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये बताओ, क्रोली अफंदी वापस आए? नहीं जनाब। वो कितने दिनों से इस होटल में है? एक हफ्ते से। और क्या उसने कमरे का किराया अदा किया? नहीं जनाब। देखो, अगर तुम अकलमंद हो तो उसके कमरे में जाओ और कोई भी कीमती चीज उठाओ और उसे बाजार में बेचकर किराया हासिल कर लो। ठीक है। शाबाश, दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। होटल अच्छा है? बहुत शुक्रिया जनाब। शाम बखैर। आफरीन, मधुशी की जबान समझ ली उन्होंने।
ये मुक्का तुम्हें फहीम पाशा के बदले में मारा है मैंने। तो तुमने ही अपने इन गलीज हाथों से फहीम पाशा को मारा था? मुंह नहीं खोल रहा। अभी तो नहीं खोला लेकिन जल्द खोल देगा। क्या करेंगे आप इसके साथ? हम इसके गलीज हाथ साफ करेंगे। पहले इसके बाएं हाथ की कलाई तोड़ेंगे और फिर दाएं हाथ की, और कहेंगे कि इसने खुदकुशी कर ली। ये कैसे मुमकिन है खलील अफंदी कि कोई शख्स अपने दोनों हाथ की कलाइयां खुद ही तोड़ ले? ये खुद तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन हम तो तोड़ सकते हैं ना। सुल्तान मौज़म, अखबारात में लिखा है कि हॉलैंड और बरतानवी बैंकों ने फुआत अफंदी को नौकरियों की पेशकश की है। वो से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें रियासत के बासलाहियत नौजवानों की हिफाजत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए मेरे सुल्तान? फुआत अफंदी को पाए तख्त बुलवाएं। हमें जानना है कि क्या वो रियासत की खिदमत करना चाहेंगे। उनसे मुलाकात के बाद ही हम उनके लिए किसी मुनासिब ओहदे का फैसला करेंगे। जैसा आपका हुक्म। तुमने अभी तक फैसला नहीं किया? आज तक अब्दुल हमीद को बेशुमार लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद बर्बाद हो गए। हम में ऐसी क्या खास बात है? हम कैसे कामयाब होंगे? दरअसल अब्दुल हमीद से शिकस्त खाने वालों में कोई भी आज तक तुम जैसा नहीं था। तुम्हारे दादा एक मजदूर थे, मगर उन्होंने खानदान को मजबूत बनाया, मिस्र का एक अजीम कैदीफ खानदान बनाया। मिस्र के खादिम अब्बास हलमी मेरे भतीजे हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? वो अब्दुल हमीद और उस्मानी खानदान का बहुत वफादार है, लेकिन तुम उसके बिल्कुल बरक्स हो। अगर अब्दुल हमीद ने तुम्हारे बाबा को ना हटाया होता तो आज तुम पूरे मिस्र के मालिक होते। तुम्हारे पास अब्दुल हमीद से इंतकाम की वजह है, इसलिए हमने तुम्हारा इंतखाब किया है। बिल्कुल ठीक, मैं अब्दुल हमीद से इंतकाम लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं। वो ताकत हम तुम्हें देंगे। जल्द ही एक मुलाकात होगी जिसमें दुनिया के अमीर तरीन लोग अगली सदी की मंसूबाबंदी करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम भी उसमें शामिल हो। हमें जानने के बाद तुम्हारा फैसला आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए सवारी भेज दी जाएगी। ताकुब करो इसका, अगर ये फरार होना चाहे या हमसे गद्दारी करे तो मार देना। आ जाए। आप मुझसे मिलना चाहती थी शहजादी? जी हाँ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हमें लगता है कि हम आप पर यकीन कर सकते हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं जिस तरह आपने वालिदा की मदद की? जी हाँ, क्यों नहीं। हमें बताइए, क्या आप बीमार हैं?
नहीं। हम उम्मीद से हैं और आपकी मदद चाहते हैं इसे खत्म करने में। पायतख्त में आज हमारा पहला दिन है। हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं। इस्तांबुल बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह हमारा वक्त यहाँ बहुत अच्छा गुजरेगा। हमारे पास सरमाया तकरीबन खत्म हो चुका है। पाकीज़ा ने सिलाई शुरू कर दी है। उन्हें इस हालत में देखकर हमें बहुत दुख होता है। बिलाखिर हमारी किस्मत बदलने लगी है। हमारी बहन दुल्हन बनकर सुल्तान के महल की बहू बनेगी। अल्लाह करे कि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। हम यहां एक उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अब हमें यहां से जाना होगा। यह सब खानदान का कसूर है, लेकिन हर कोई बहुत जल्द उसके सच से वाकिफ हो जाएगा। जो सिर्फ मैं जानती हूं, खानदान उम्मीद से नहीं है, वो किसी और खातून से बच्चा लेगी और उसे पालेगी। हमने उस खानदान को भी ढूंढ लिया है। कपड़ों को ऊपर वाले खाने में रखें, वहां से निकालना आसान होगा। हम उनके बहुत ज्यादा कपड़े तब्दील करेंगे। मिसली मैलिक, खुश आमदीद। हम बच्चे का कमरा तैयार करवा रहे हैं। बाहर जाइए सब। मिसली मैलिक, सब ठीक तो है ना? कोई कमरा तैयार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं जो यहां सो सके। क्या आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप उम्मीद से नहीं, आपका बच्चा जाया हो गया है। बाजी को मालूम था कि आप उम्मीद से नहीं हैं, इसलिए आपने उनका पीछा किया, उन्हें डराया और धमकाने की भी कोशिश की। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सब कुछ खत्म हो चुका है। हम सबके सामने आपके झूठ का पर्दा उठा देंगे। नहीं, नहीं। मिसली मलिक ने जो कुछ कहा, क्या वो सच है? आपने सुना वो क्या कह रही थी? शायद वो होश खो बैठी हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी तक सदमे में है वो। तस्दीक करनी होगी पप्पी जान, हमें तस्दीक करनी होगी। पप्पी जान, हम उम्मीद से नहीं हैं, ये सच है। हम उम्मीद से नहीं हैं। हमने झूठ कहा था, बच्चे को खो दिया था हमने। डर गए थे हम, कहीं मोहम्मद सलीम हमें छोड़ ना दे, इसलिए हमने सबसे झूठ बोला था। ऐसा करने की जुर्रत कैसे हुई आपकी खानदान? मोहम्मद सलीम हमारे सुल्तान सबसे झूठ बोला, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? पुपिशान, हम डर गए थे कहीं मोहम्मद सलीम को ना खो दे, और इस वजह से आप किसी और के बच्चे को शहजादा बनाकर महल में लाने वाली थी। ऐसा करने का तो शैतान भी तसव्वुर नहीं कर सकता। आपने किसी और का खून हमारे खानदान में लाने का सोचा भी कैसे आखिर? पप्पी जान, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। आपका जुर्म काबिले माफी नहीं है। अपना सामान समेटिए और महल से फौरन निकल जाइए। मोहम्मद सलीम से मिलेंगे तो उन्हें बता देंगे कि आपने उनके साथ क्या किया। रुक जाइए फूफी जान, रुक जाइए। पीछे हटिए।
माफ कर दे पुप्पी जान, रहम करें हम पर, अल्लाह का वास्ता है पुप्पी जान। फुआद अफंदी, आपके लिए खुशखबरी है। हमारे सुल्तान को आपके कारनामों के बारे में मालूम हो गया है। आपको पाया, तख्त तलब किया है। मैं ये पैगाम किसी और के जरिए भी भिजवा सकता था, मगर ये खुशखबरी मैं खुद देने आया हूँ। अल्लाह हमारे सुल्तान की उम्र दराज करे। पाया तख्त एक मैदान जंग है और वहां का सिर्फ एक ही कानून है, रियासत से वफादारी। चलो कोचवान, अगर अब्दुल हमीद ने तुम्हारे बाबा को ना हटाया होता तो आज तुम पूरे मिस्र के मालिक होते। तुम्हारे पास अब्दुल हमीद से इंतकाम की वजह है, इसलिए हमने तुम्हारा इंतखाब किया है। हम तुम्हें वो देना चाहते हैं जो तुम्हारे दादा अली पाशा से छीन लिया गया था। हम तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोल रहे हैं जो तुम्हें तख्त तक पहुंचा देगा। जिस दिन तुम ये अंगूठी पहन लोगे, उस दिन हम जान लेंगे कि तुमने हमारी पेशकश कबूल कर ली, और हमें यकीन है कि हमारे नाउम्मीद होने से पहले तुम पहन लोगे। आइए। करोली की खुदकुशी से यकीनन आपको झटका लगा होगा। एक इंसान अपनी दोनों कलाइयां कैसे तोड़ सकता है? एक कलाई तोड़ने के बाद दूसरी तोड़ने की ताकत ही नहीं होगी। उस्मानी सुल्तान अब्दुल अजीज की खुदकुशी के बाद भी यही सवाल उठाया गया था कि वो अपनी दोनों कलाइयां कैसे काट सकते हैं। उनके कातिल बेवकूफ होंगे। लेकिन उस्मानी जासूस बेवकूफ नहीं है। उस्मानी कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते, और ना अपनी तारीख भूलते हैं, और ना ही किसी को भूलने देते हैं। वैसे आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? करौली की मौत के बाद हमारी तंजीम में एक कुर्सी खाली हो गई है। अगर तुम चाहो तो उस पर चुपचाप बैठ सकते हो। बाईस शर्फ है मेरे लिए। करौली को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है पाशा। खलील खालिद अफंदी ने कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा। क्या बात है, तो मेरा काम भी खत्म हो गया। उस्मान, अपना ख्याल रखना नौजवान। सुल्ताने मौजम ने जो पहला हुक्म मुझे दिया था वो ये था कि आपके साथ मिलकर करौली को सजा दूं। तो ये पहला हुक्म था, फिर इसके आगे यकीनन दूसरा और तीसरा भी होगा। जी हाँ, एक और हुक्म है, आपको पाए तख्त लेकर जाना है। बाकी तफसीलात सुल्तान मुअज्जम आपको खुद बताएंगे। हमारे सुल्तान को आपकी जरूरत है,
पाया तख्त जाना ही होगा फिर तो। सुल्तान मौसम, मिस्र से टेलीग्राम आया है। सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। हमारे जासूसों ने उस गद्दार क्रॉली को सजा दे दी है पाशा। शुक्र है अल्लाह का कि जिसने हमें हमारे लोगों और फहीम पाशा का इंतकाम लेने का मौका फराहम किया। लेकिन क्रॉली अब हमें नहीं अल्लाह को हिसाब देगा। उसको उसके किए की सजा मिल गई। जालिम को सजा मिलकर रहती है पाशा, लेकिन उसके सरगना से हिसाब लेना बाकी है। वो बच्चा महीनों पहले ही जाया हो चुका है। उन्होंने हम सबसे ये बात छुपाई और एक भयानक मंसूबा बनाया। वो किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर महल में लाने वाली थी। हम नया आलमी निजाम कायम करने जा रहे हैं, ऐसा निजाम जिसमें सिर्फ हमारा फायदा होगा। सारे बैंक हमारे हैं, तो बताओ नौजवान, क्या तुम यह अंगूठी पहनना चाहोगे? लेकिन मैं ये गुस्ताखी नहीं करना चाहती। आप जो मुझसे कह रही हैं वो मैं नहीं कर सकती। इस कमेटी में बतौर सरबराह फौज आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी जलालुद्दीन पाशा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। जब मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन के लिए कर रही हूँ।